मैंने अपने माइनक्राफ्ट जर्नी में काफी सारे वर्ल्ड क्रिएट किए हैं और काफी सारे वर्ल्ड में से डिलीट हो गए हैं, बट मेरा एक ऐसा सर्वाइवल वर्ल्ड जिसको मैंने जब ज्वाइन किया वापस, तो मुझे कुछ ऐसी चीजें उसके अंदर पता चली जो कि काफी ज्यादा स्कैरी थी। आखिर उस वर्ल्ड के अंदर ऐसी क्या चीज है जो कि काफी ज्यादा स्कैरी है, इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, आपको पता चल जाएगा। तो फाइनली गाइस, मैंने वर्ल्ड डाउनलोड कर लिया अपना फर्स्ट सर्वाइवल सीरीज और इसका नाम देखो क्या लिखा है, माय वर्ल्ड। हाँ, उस समय मेरी थोड़ी अंग्रेजी कमजोर थी, बट मैंने इसको अपग्रेड कर दिया है, मतलब कि ये पहले ओल्ड वर्जन में था। तो चलो इसको फटाफट ओपन करते हैं। एंड वर्ल्ड में मैं आ गया और वो देखो भाई, एक सेकेंड, सामने मेरा घर है, मेरा फर्स्ट सर्वाइवल हाउस। वाओ, कैसा लग रहा है भाई, क्या बढ़िया घर है। हाँ, वो बात है, नूब जैसा हाउस है, बट भाई उस समय के लिए काफी बढ़िया है। और एक बार आप टेक्सचर देखो, भले ये 1.16.5 में वर्ल्ड है, लेकिन इसके टेक्सचर अभी भी ओल्ड दिख रहे हैं। ये देखो, और ये देखो भाई मेरा घर। चलो अंदर चलते हैं पहले, एक सेकंड, मैं आसपास भी थोड़ा बहुत घूम लेता हूँ। ओके, तो ये कौन सी जगह है, ये है मेरा मिनी सिंक, अच्छा माइनिंग केव। वेल, मैं आपको बता दूं, मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा कमजोर थी, तो इसको थोड़ा इग्नोर ही मारना। और ये कौन सी जगह है, ये तो मेरे को भी बिल्कुल याद नहीं है। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ तो लिखा है, मन्नू कौन था। ओ वेट, मन्नू तो मेरा भाई घोड़ा था। यस, ये मेरे घोड़े का भाई घर था, मेरे को याद आया, मैंने उसके लिए तो हेबिल रखी थी यहाँ पर। ओ भाई, क्या यार, मेरा घोड़ा होता तो और भी ज्यादा बढ़िया रहता। एंड ये देखो भाई, यहाँ पे मैं पार्कर करने की थोड़ी सी तो कोशिश करता था। यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, एक सेकेंड, ये कौन सी जगह है, देसी पंचायत। अच्छा पंचायत, अच्छा यहाँ पे मैं पंचायत बिठाता था, पर मैं इस वर्ल्ड के अंदर अकेले खेलता था, तो मैं किसके लिए पंचायत बिठाता था यार, मेरे को भी याद नहीं है कुछ भी। चलो कोई ना भाई, ये बहुत पुरानी बात है। चलो घर के अंदर का टूर पहले दे देते हैं। ये रहा मेरा घर, बाहर दो चेस्ट पड़ी है, चलो अंदर चलते। हो भाई, क्या ये भाई, क्या ये अजीब यार, बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है इस घर को देखकर। पता नहीं, मेरे को तो थोड़ा सा तो अजीब लग रहा है, पता नहीं यार। एक मिनट, रात हो गई, एक सेकेंड, क्या मैं शाम के टाइम इस वर्ल्ड में आया था? नो, मुझे इतना तो याद है कि मैं दिन में था, रात भी नहीं हो रही थी, बट कोई ना, रात हो गई है, तो एक काम करते हैं, अंदर ही चलते हैं। मैं पहले इस घर को एक बार ढंग से देख लेता हूँ, भाई सब क्या है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो, सारे भाई सामान है यहाँ पर, मतलब ये मेरे को आज तक इन सब का यूज पता नहीं चला, बट मैंने इसको रख लिया विलेजरों से चुरा कर, विलेजरों के घर पे जाकर मैंने चोरी करके ये सारा सामान इकट्ठा किया है। चेस्ट के अंदर क्या है, ओह चेस्ट मेरी खाली है, वाह। चलो भाई सब कुछ तो देख ले, एक बार छत पे चलते हैं। और ये मेरी छत है भाई, एक बार ये देखो, अजीब सा लग रहा है यार मेरे को यहाँ पर। और देखो, मैंने हर जगह टॉर्च लगा रखी थी, क्योंकि भाई ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा हो जाते थे। एक मिनट, ये कैसी आवाज है, एक मिनट, ये माइनक्राफ्ट की आवाज है, हो सकता है ये माइनक्राफ्ट के ओल्ड वर्जनों में आती हो ऐसी आवाज। चलो थोड़ा सा बाहर चल के देख ही लेते हैं, क्या किसकी आवाज थी, मेरे को माइनक्राफ्ट की आवाज तो नहीं लगी, पर काफी ज्यादा क्रीपी आवाज थी वो। एक मिनट, वो किसका घर है, वो घर मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया, आई डोंट नो वो घर किसका है। एक मिनट, मैं चलता हूँ। यहाँ पे रेल की पटरी लगा रखी है, पता नहीं भाई कौन रहता होगा यहाँ पर, आई गेस मैंने यहाँ पे अपना दूसरा घर बना रखा होगा। एंड वेट, यहाँ पे क्या लिखा है, माई बेस्ट फ्रेंड डार्की। वेट, डार्की मेरा एक फ्रेंड था, मेरे को अरे मैं कैसे भूल गया उसके बारे में, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था यार डार्की, मैं उसके साथ माइनक्राफ्ट खेला करता था, के लिए तो ये घर बनाया था मैंने। भाई साहब डार्की यार, एक सेकंड, मैंने डार्की की याद में यहाँ पे एक आर्मर स्टैंड लगा रखा है। पता नहीं यार वो इस वर्ल्ड में खेलते खेलते पता नहीं कहाँ चला गया था, इतना तो याद था कि हम लास्ट टाइम माइनिंग करने गए थे, और पता नहीं वो कहाँ चला गया था, और अभी तक मेरे को मिला नहीं वो, ना उससे मेरे की आज तक अभी बात हुई, क्योंकि वो मेरा ऑनलाइन फ्रेंड था। छोड़ो, एक काम करते हैं, उसके घर के अंदर ऊपर चलते हैं। तो इस वर्ल्ड के अंदर मैंने काफी दिन बिताए, एंड काफी दिन बिताने के बाद मुझे एक ऐसी चीज मिली जिसको देखकर मैं शॉक हो गया। पता नहीं मैं क्या करता रहता इस वर्ल्ड के अंदर। वेट, वो क्या चीज है, उसको तो मैंने आज तक अभी नहीं देखा, क्या है वो। एक मिनट, वहां चल के देखते हैं। एक मिनट, ये थोड़ा सा तो स्ट्रेंज लग रहा है वो जगह देखने में, क्या है वो। एक मिनट, मेरा गेम क्यों ग्लिच हो रहा है भाई, मेरा गेम क्यों ग्लिच हो रहा है। नहीं, व्हाट, मेरा गेम कैंसिल हो गया।
एक और बार मैं वर्ल्ड को ज्वाइन कर रहा हूँ, पता नहीं उस समय मेरा गेम क्यों क्रैश हो गया। उसके पास जाते ही पता नहीं उस समय मेरा वर्ल्ड क्यों क्रैश हो गया, जैसे मैं थोड़ा सा पास में गया। बाकी ये क्या बना रखा है मुझे अभी तक नहीं पता। एक काम करते हैं, थोड़ा और पास में चल के देखते हैं, बस इस बार मेरा गेम क्रैश ना हो जाए। ओके मैं थोड़ा पास चलता हूँ। एंड ये फिट नो। अरे क्या हो गया भाई, मुझे ब्लाइंडनेस क्यों मिल रही है भाई? एक सेकंड, ब्लाइंडनेस में मेरे को सूरज क्यों दिख रहा है? ये क्या क्या हो रहा है भाई? एंड फिर दोबारा गेम क्रैश। ओके तो मेरा वर्ल्ड क्रैश हो गया पता नहीं क्यों, अब ये ओपन ही नहीं हो रहा। तो इस वर्ल्ड को ठीक करने के लिए मैंने अपने फ्रेंड सेन को दे दिया, और सेन ने काफी दिनों के बाद फाइनली इस वर्ल्ड को ठीक कर ही दिया। लेकिन अचानक सेन का मेरे को कॉल आ गया। सेन बता क्या हुआ भाई? अरे वो वर्ल्ड तो मैंने ठीक कर दिया, बट भाई इस वर्ल्ड में ना बहुत लाइक अजीब अजीब फाइल्स या कुछ तो भाई चीजें थी अलग अलग, मुझे पता भी नहीं क्या था। मतलब कहने क्या चाह रहा है तू भाई? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये वर्ल्ड ट्राई ही मत कर, बहुत अजीब वर्ल्ड है, कुछ भी हो सकता है। अरे कुछ नहीं होने वाला, क्या तेरे को अजीब चीज दिख रही है? क्या इसके अंदर कोई एंटिटी मिल जाएगा क्या मेरे को? पता नहीं भाई, एंटिटी मिले या फिर उससे कुछ बेटर मिले, पता नहीं क्या मिल सकता है। अरे ये सब देख, ये मेरा बहुत पुराना वर्ल्ड है, तो ये क्या होगा इसके अंदर? मैं इसको खेला करता था यार। तो कर ले भाई, अपने रिस्क पे कर ले, मैं तो पहले ही वॉर कर रहा हूँ तुझे। ओह फाइनली उसने रिपेयर कर दिया यार, फाइनली काफी मुश्किल से, बट उसने मेरे को मना किया इस वर्ल्ड में वापस जाने से। पता नहीं वो थोड़ी अजीब से बोल रहा था कि कुछ तो है इस वर्ल्ड के अंदर पता नहीं क्यों, पर ये तो मेरा सर्वाइवल वर्ल्ड है तो इसके अंदर क्या ही अजीब होगा। ओके फाइनली ओपन हो गया मेरा वर्ल्ड, चलो बढ़िया है। अब मैं उस जगह पे नहीं जाने वाला, मैं वापस चलता हूँ अपने घर के अंदर। वेल मेरे को उस जगह को एक्सप्लोर करना है जो कि मैंने अपने घर में देखा था, चलो वापस चलते हैं। ओके तो ये वाली जगह थी, इसके नीचे कुछ तो है। ओ इसके नीचे एक सीक्रेट रूम है। वेल मैंने कब बनाया ऐसा सीक्रेट रूम, मुझे भी याद नहीं है यार, ये तो थोड़ा अजीब है। मेरे माइंड को पता नहीं क्या हो गया भाई, मेरा ब्रेन कोई भी मेमोरी को इतने सालों तक क्यों नहीं इकट्ठा कर पाता। ओके मैं नीचे आ गया, और एक सेकेंड ये सुअर क्या कर रहा है यहाँ पर, किसने लटकाया भाई? नीचे लावा है। ओ भाई क्या हो? वेट इसको मेरा नाम किसने दे रखा है? मिस्टर अल्फा 13? ये मैंने दिया होगा आई गेस ये नाम, पता नहीं भाई मैंने क्यों दिया यार। मुझे लगता है कि मैं डार्की लिखने की कोशिश कर रहा था और गलती से मैंने अपना ही नाम लिख दिया होगा इस सुअर के ऊपर। मैं छोड़ो उसको, छोड़ देता हूँ। और ये कौन सी जगह है? ओ ये लाइब्रेरी है, और यहाँ पर day 1, day 2, day 3, day 4, व्हाट क्या है? एक सेकंड क्या है यहाँ पर? एक मिनट, यहाँ पर day 1, day 2, day 3, एक सेकंड यहाँ पे बुक्स पड़ी है, चलो इनको पढ़ते हैं क्या इनमें। day 1, आज मैंने अपने वर्ल्ड में डार्की के लिए एक घर बनाया, जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने ही डार्की के लिए घर बनाया था, इतना तो याद था। चलो इसको वापस रखते हैं, day 2 की पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या लिखा है। आज डार्की पता नहीं मुझसे गुस्सा होकर कहाँ चला गया। क्या भाई मैं उससे लड़ाई करता रहता था क्या? याद नहीं है, चलो इसको यहाँ रख देते हैं। day 3 की बुक लेते हैं, इसके अंदर क्या लिखा है। आज डार्की अभी तक घर नहीं आया जबकि आज काफी ज्यादा अंधेरा था। पता नहीं इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या डार्की इसी जगह से गायब हुआ था क्या? I mean, कहने का मतलब ये कि डार्की अपने आप ही गायब हो गए थे इस वर्ल्ड से, I don't know। और ये ले लेते हैं, और इस पे क्या लिखा है? वेट इस पे भी day 2 लिखा हुआ है जबकि day 4 की बुक है। आज डार्की ने पता नहीं मुझसे क्यों, वेट क्या लिखने की कोशिश कर रहा था मैं? वेट ये क्या अजीब सी लिखी है मैंने, क्या ये? इसके आगे कुछ लिखा था क्या मैंने? आई डोंट नो भाई, पर एक मिनट, इन बुकों के अंदर भी day 2 लिखा हुआ जबकि day 3 और day 4 की बुक है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है। आई डोंट नो, मैं चलता हूँ बाहर और इस कमरे को एक्सप्लोर करते हैं। इस कमरे, वेट अबे ये क्या है, ये क्या बना रखा है मैंने इसके अंदर? व्हाट ये क्या क्या बना रखा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आई डोंट नो ये है क्या। एक मिनट, क्या मैंने कोई रिचुअल किया है क्या? नो वे, मेरे को उस समय रिचुअल के बारे में तो कुछ पता नहीं होगा। पता नहीं गाइस मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, थोड़ा सा तो अजीब है। आई डोंट नो भाई, मैं काम करता हूँ इसको तो बंद ही रखता हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ भाई, मेरे को थोड़ा सा तो अजीब लग रहा था। आई डोंट नो भाई, मेरे को अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा है, डार्की गया कहाँ ये मेरे को अभी तक नहीं पता। और दूसरी चीज, आखिर डार्की था कौन? क्योंकि उससे मैं हमेशा माइनक्राफ्ट में बातें करता रहता था लेकिन उसके बारे में मेरे को ज्यादा कुछ नहीं पता था, तो मेरे को उसके बारे में पता करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को अपनी डिस्कॉर्ड में जाकर पूरी पुरानी चीजें खंगालनी पड़ेगी, या तो मुझे अपने मैसेजेस सब कुछ चेक करने पड़ेंगे, या तो हो सके मेरे को कुछ और जुगाड़ कर डार्की के बारे में पता करना पड़ेगा। पहले तो मैंने इन चेस्टों को चेक नहीं किया,
ओके, इन चेस्टों में मेरा सामान पड़ा हुआ है जैसे कि एक नॉर्मली माइनक्राफ्ट प्लेयर के पड़े रहते हैं। और इस चेस्ट के अंदर क्या है? ओके, इस चेस्ट के अंदर फूड का सामान। वेट, इसके अंदर बुक एंड क्विल क्यों पड़ी है? इसके अंदर भी कुछ लिखा है क्या? चलो पढ़ते हैं। इसमें लिखा है वेट, व्हाट? मेरा नाम, मेरा फोन नंबर, मेरा बैंक नंबर, मेरा स्कूल का नंबर और मेरी मम्मी का फोन नंबर। व्हाट? ये सारे नाम सब कुछ रियल है, लेकिन ये मैंने लिखा है क्या? नो वे, मैं उस समय बहुत छोटा था तो मेरे को अपना बैंक नंबर ही नहीं पता भाई, ना तो मुझे अपने मम्मी का फोन नंबर याद था। बट कैसे यार, और ये क्या लिखा है? मैंने ये समझ नहीं आ रहा। वेट, ये क्या लिखा है? समन डार्कनेस, इसका क्या मतलब हुआ यार? मुझे समझ ही नहीं आ रहा इस वर्ल्ड के अंदर हो क्या रहा है, मुझे लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर मेरी प्राइवेट चीजें कैसे? मैं काम करता हूँ, पहले मैं जाकर डार्की के बारे में थोड़ा बहुत पता करता हूँ। गाइस, लिटरली मुझे कुछ नहीं पता चला डार्की के बारे में, और मेरे को भाई डार्की के बारे में पता लगाना है आखिर उसने माइनक्राफ्ट क्यों क्विट कर दिया। एक काम करते हैं, यहाँ पर मेरे को माइनिंग केव मिला है और ये पता नहीं ब्लॉक कर रखा है, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों कर रखा है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, नीचे जाने वाला हूँ और देखता हूँ इसके नीचे ऐसा है क्या जिसके कारण मैंने इसको ब्लॉक कर रखा है। मैं काम करता हूँ, इस चेस के अंदर मेरे को टूल्स दिखे थे कुछ, मैं नीचे चलता हूँ फटाफट। ओके ओके ओके, तो चलो अब नीचे चलते हैं। टॉर्च ले रखी हाथ में, पता नहीं मेरे को अजीब से लग रहा है। और एक सेकेंड, ये कैसे साउंड है नीचे से आ रही? भाई भाई भाई, ये काफी ज्यादा क्रीपी साउंड है, क्यों आ रही है नीचे से? भाई भाई भाई, ये स्कैरी साउंड है। और ये माइनक्राफ्ट की भाई कोई भी डिफॉल्ट साउंड तो है नहीं जो केव में से आती है। भाई भाई, मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है, बट नीचे जाके मेरे को देखना ही पड़ेगा। आखिर मेरे को भाई कहाँ पर वो बंदा मिलेगा जिसके साथ मैं इस माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में खेला करता था? क्या वो एंटिटी है या कोई माइनक्राफ्ट प्लेयर है? मैं ओके नीचे आ गया हूँ। ओके, तो ये फाइनली मेरे को टनल मिल गई है। मेरे को बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं है कि मैं इस माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में करता क्या था और इस गेम में मैंने क्या क्या किया है, मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है। ओके, नीचे जाने का रास्ता तो नहीं है, बट कैसे जाऊं मैं नीचे? एक सेकेंड गाइस, आपको आवाज आ रही है? कोई तो ब्लॉक तोड़ रहा है आसपास। बट कौन, कहां से आ रही है आवाज? एक सेकेंड, वेट, आसपास से तो कहीं से तो आवाज आ रही है, बट कहां से ब्लॉक टूट रहे हैं? एक मिनट, ब्लॉक यहां किसने तोड़ा अभी ब्लॉक? वेट, नो, यहां पे ब्लॉक टूटा है भाई, ब्लॉक टूटा है। भाई 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 भाई, ये क्या हो रहा है? ओ, काफी समय बाद मिले हैं। भाई भाई भाई, डार्की तू कहीं पे भी हो बट मेरे आसपास मत आइयो, मेरे को तेरे से मिलना नहीं है। मैं जा रहा हूँ भाई, मैं इस वर्ल्ड को छोड़ के जा ही रहा हूँ। मैं निकलो भाई, निकलो, नो, ऊपर भागते, रुको, नीचे ब्लॉक टूटने की आवाज आ रही है, नीचे से ब्लॉक टूट रहे हैं, मैं ऊपर भागता हूँ। ओके, फाइनली रात भी होने वाली है, मैं एक काम करता हूँ, फटाफट घर के अंदर चलता हूँ, आई गेस अभी थोड़ा मैं सेफ हूँ। भाई, कुछ भी हो, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, मैं थोड़ा दूर जा रहा हूँ, मैं इस वर्ल्ड को और एक्सप्लोर करता हूँ। वेट, वो क्या चीज है? वो मेरे को अभी तक समझ नहीं आया, आखिर वो मैंने बनाया क्या है? वो किसी टाइप का रिचुअल है क्या? मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता। मैं जब उसके पास जा रहा हूँ मेरा गेम क्रैश हो जा रहा है, पर मैं एक काम करता हूँ उसके पास जाकर एक बार देख ही लेता हूँ आखिर वो है क्या। ओके, मैं पास आ गया, बहुत पास आ गया। ऑल राइट, मैं फाइनली इसके पास। वेट, व्हाट द हेल, ये क्या है? ये किसी टाइप का रिचुअल है क्या? आई डोंट नो। और यहाँ पे क्या? समन डार्कनेस, और ये मैंने क्या बनाया मुझे अभी तक? वेट, फिर दोबारा मेरे को डार्कनेस? नहीं, क्या है ये फालतू की चीज? अरे, ये कौन है? नहीं, एंटिटी,